राम्रो देश छ नेपाल धरे राम्रो देश छ क्या होता है राम्रो का मतलब क्या होता है अच्छा अच्छा रे रिपेयर इंजीनियर ये मेरे भाई हमारे हेलो बोल दो भाई हाय सिल भाई इनके मैं निचोड़ दूंगा अच्छे से तो हमने और इधर का चिकन लॉलीपॉप सबसे मस्त होता है मस्त होता है ये क्या कपड़े ले लो भैया कपड़े ले लो तुम तो हमारे साथ आए थे तुम यहां काम करने के लिए राम्रो छ राम्रो छ यहां के कपड़े बहुत राम्रो छ मिलते हैं बाद में ठीक है ओके बाय बाय ओके बाय बाय तो यार हेलो जी नमस्ते स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो भाई लोग आज हमारे साथ आ रखे हैं मन्नू भाई हमारे बशीर भाई हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार सब्सक्राइब किया करो मेरे भाई यार अभी तो वीडियो देखिए तुमने कैसे स्टार्ट हुई है चलो आ जाओ। और यहाँ पे आ रखे हमारे शिवराज भाई और आ रखे हमारे हेलो अभी भाई और यहाँ पे हमारे बाप रे हमारे इंदर भाई आ रखे हेलो बोल दो एक बार साउंड चेक कराओ साउंड चेक कराओ यार। तो यार भाई लोगों को बता दूं हम जाने वाले हैं आज पहली बार इंटरनेशनल राइड होने वाली है हमारी ग्रुप की। तो हम जाने वाले हैं नेपाल पे यार अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 5-6 किलोमीटर बाद हमारा नेपाल शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यार तुम अगर तुम नेपाल जाओगे तो महंगे तुम्हें बनबसा के रास्ते जाना पड़ेगा ठीक है। मेन इंटरनेशनल हाईवे से एंड हाईवे की कंडीशन ये है भाई यहाँ पे मतलब धूल ज़्यादा दिख रही है रोड बहुत कम दिख रही है। तो यार भाई लोग अभी का सीन ये है कि अभी हम पहुँचने वाले हैं जस्ट बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं एंड अप्रॉक्सीमेट हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए हैं। मेरी गाड़ी की आरसी नहीं आई थी तो मैं कल आरसी लेके आया था तो अब हमारे डॉक्यूमेंट पूरे परफेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे उसके बाद जब हम नेपाल में एंटर करेंगे तो वहाँ पे हमें कटाने पड़ती है सुविधा भंसार मतलब अगर तुम महेंद्रनगर से आगे जा रहे हो तो भंसार कटाना पड़ेगा 150 रुपये पर गाड़ी का होता है। और अगर तुम सिर्फ महेंद्रनगर के अंदर ही अंदर ट्रैवल करना चाहते हो एक दिन के लिए तो उसके लिए सुविधा कटती हो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आज हम फुल रिएक्शन वगैरह लेने वाले हैं पहली इंटरनेशनल राइड भी होने वाली है हमारी ग्रुप की। तो देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है तुम्हें सब चीज दिखाएंगे भाई। यार चलने से पहले इनसे पूछ लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है एक्साइटेड है नहीं है तुम बताओ पहले तुम एक्साइटेड हो नहीं हो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भैया बहुत ज्यादा तो दिखाओ हो और वसीर भाई तुम कैसे यार बहुत एक्साइटेड तुम्हें पूरा नेपाल दिखाएंगे और बहुत मजे कराएंगे आईफोन तुम्हें कैसा लग रहा है वेरी एक्साइटेड तुम बताओ एक्साइटेड हो नहीं हो बहुत मजेदार गुंडे आ गए। तो यार भाई लोग हम लोग ऑल सेट रेडी हो चुके हैं एंड मैं तुम्हें बता दिया मैंने अपनी गाड़ी में 2 शीशे लगा दिए हैं बिकॉज यार नेपाल का रूल ये बोलता है कि बिना तुम शीशे के गाड़ी नहीं चला सकते समझ रहे बात को। तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स वगैरह होते हैं तो हमें यार फॉलो करना पड़ेगा अगर हम उसे कंट्री में जा रहे हैं तो समझ रहे बात को। और बाकी यार अभी हम जस्ट 15 मिनट तक रुके थे इस रोड पर एंड हमारी गाड़ी पूरी धूल से भर चुकी है तो सोचो यार गर्मी में कैसा हाल हो रहा होगा इसका। तो यार भाई लोगों हम जस्ट इंडिया के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो भीड़ बिकॉज यार यहाँ पे SSB की चेकिंग वगैरह होती है तो हमें भी करवानी पड़ेगी। तो बाकी देखते हैं भाई क्या सीन रहता है यहाँ का। तो भाई लोगों वी जस्ट फिनिश द पेपर वर्क एंड अभी हम SSB पूरा पार कर चुके हैं एंड यहाँ पे एक नेपाल की चेकिंग होगी उसके बाद हमें सुविधा कटानी पड़ेगी देन वी विल एंटर इन नेपाल एंड फ्रीली हम घूम सकते हैं भाई मतलब एक दिन के लिए हमारा सुविधा काटेंगे बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अगर हमें महेंद्रनगर से आगे जाना तो हमें भंसार काटना पड़ेगा 150 रुपये पर गाड़ी समझ रहे बात को। तो यार फाइनली हम नेपाल में एंटर कर चुके हैं भाई जैसे इंडिया में जाने के लिए वहाँ पे मैजिक्स वगैरह रहती हैं तो भाई वैसे ही नेपाल में भी एंटर करने के लिए यहाँ पे अगर किसी के पास बाइक वगैरह नहीं तो यहाँ पे भी गाड़ी वगैरह रहती है यहाँ से इजीली गाड़ी वगैरह ले सकते हो समझ रहे बात को। तो यहाँ पे कहाँ पे करानी यहाँ पे UK 03 ओके भाई ऑल सेट रेडी अभी इसके बाद वो कटवाना है सुविधा कटवानी फिर ऑल टोटल काम हो गया फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें। तो यार भाई लोगों हमें एक जगह और रुकना पड़ा यहाँ पे हम कटवाएंगे सुविधा ताकि हम फ्रीली घूम सकें महेंद्रनगर तक। बंसार नहीं सुविधा है महेंद्रनगर तक जा रहे हैं उधर कहाँ जा रहे हो तो? इधर महेंद्रनगर यहाँ से घूमने जा रहे हैं महेंद्रनगर तक महेंद्रनगर है ना हाँ मतलब बाजार के जा रहे हैं पता नहीं हमें बाजार कहाँ है करके बाजार इधर अंदर है। अच्छा हमें पता है इनका अच्छा ये पीछे जो रास्ता है वहाँ से अंदर को हाँ। अच्छा हमें पता है इनका ठीक आगे अलाउड भी नहीं है हाँ इससे आगे वो भंसार कटाना पड़ेगा हाँ ठीक ओके हमें पता है इनका ओके सर थैंक यू ओके सर पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो लोग हम प्रेजेंट है महेंद्रनगर की मार्केट पे बट एक्चुअली में अनफॉर्चुनेटली यार मुझसे एक दिक्कत हो गई वो दिक्कत ये थी कि यार माइक तो था मेरे पे माइक का तार नहीं लगाना भूल गया मतलब माइक का तार लगाना भूल गया
तो अनफॉर्चुनेटली भाई ये बोल सकते हैं कि यार बैड लगता है मेरा, समझ रहे बात, मतलब जितना भी मैंने मस्त मस्त तरीके से बोला था वो सब वेस्ट हो गया मेरा। कोई दिक्कत नहीं भाई, होता है दर्द होता है दुख में होता है यार, क्योंकि बहुत मेहनत से बोलना पड़ता है, समझ रहे बात को इसमें। और बाकी ये पार्क वगैरह तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सीन रहता है। क्या यहाँ क्या एंट्री फीस भी है क्या? चलो कुछ 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 ही नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है चलो। बाकी यार भाई लोगों को रिएक्शन बहुत मस्त मिलने, और आगे से ऐसे घूम के जाएंगे, मैं आ रखा हूँ हल्का फुल्का, तो मैं आ रखा हूँ बट उतना नहीं आ रखा हूँ, तो मतलब इधर उधर घूम के आ जाएंगे, मतलब हर गली तो ऑलमोस्ट घूमने की कोशिश करेंगे। नेपाल तो हमारे जस्ट बगल पे ही है, समझ रहे हो बात को, मतलब नेपाल के बॉर्डर पे रहते हैं और हम नेपाल नहीं आते, समझ रहे हो बात को, ये चीज़ है। कुछ कपड़े वगैरह देखेंगे, क्योंकि यार नेपाल के कपड़ों की ना भाई बहुत ही तारीफ करते हैं लोग, क्योंकि यार यहाँ पे जो कपड़े होते हैं ना वैसा बोलते हैं कि कोरिया से और चाइना से मंगाए जाते हैं, तो देखते हैं भाई कैसी उनकी क्वालिटी होती है और कैसा डिजाइनेबल होते हैं और कितनी मस्त होते हैं, समझ रहे हो बात को। और बाकी जो रिएक्शन है भाई वो क्रेजी आ रहे हैं, इनका क्रेजी बोले तो किल करने वाले, समझ रहे हो बात को। तो यार भाई लोगों फाइनली हम नेपाल में पहुंच चुके थे एंड अभी आ रखे हम महेंद्र नगर पे, तो महेंद्र नगर पे हम बाइक से घूम रहे थे, तो मतलब गलियां बहुत है, तो हमने सोचा कि जब महेंद्र नगर आ रखे हैं तो हम यहाँ पे पैदल पैदल घूमेंगे, समझ रहे बात को। बाइक में तो हम घर पे भी घूमते थे बट एक्चुअली में यहाँ पे आ रखे हैं तो यहाँ का पूरा इंजॉय लेके जाएंगे, तो इसका मतलब हमने डिसाइड किया कि हम पैदल पैदल जाएंगे। तो गाड़ी पार्क करने की हमें जगह नहीं मिली, तो हमें हमारे भैया मिले हैं। भैया हेलो बोल दो। हेलो हेलो, नाम क्या आपका? मैं आशीष था पक्का जी। अच्छा कहाँ से हो आप? मैं महेंद्र नगर वासी। अच्छा ये है भाई लोगों शॉप इनकी, ठीक है। और क्या क्या होता है यहाँ पे ये बता दो। यहाँ पे रिपेयर भी होता है, ठीक है। रिपेयर इंजीनियर ही मेरे भाई है हमारे। हेलो बोल दो भाई। हाय। चलो बढ़िया हो गया। और क्या क्या चीज होती है रिपेयर होता है? और अरे इधर देखा तो मोबाइल मॉडल का मोबाइल मंगाना चाहो यहाँ मंगा लेंगे। अब सही है, चलो सब होगा, सब इधर अवेलेबल होगा, ठीक ठीक। और भैया को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें पार्किंग की सुविधा दी, समझ रहे बात, यहाँ पे क्या पता कुछ भी हो सकता है। और इंडिया से जो भी आए यहाँ जरूर आए, जरूर आए। चलो ओके, अभी आते हैं, ठीक है। पेपर अर्शु के सामने बस। चलो ओके, अभी आते हैं, ठीक है। चलो शुक्रिया। तो यार भाई लोग अभी हम घूम रहे हैं नेपाल की रोड में, एंड यहाँ पे बहुत ठग्गू बना रहे हैं हमें यार, बहुत महंगा लगा रहे हैं भाई। इनके मैं निचोड़ दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो हमने एक जब पिछले बार हम नेपाल आए थे तो हमने एक दुकान से लिया था, पर अब उस दुकान नीचे रख दी जाता है सब दिखता है भैया यार, कैसी बात करो, महंगा वाला कैमरा है यार वसीर भाई यार। और अभी हम खाने वाले लॉलीपॉप मेड फ्रॉम नेपाल, और इधर का चिकन लॉलीपॉप सबसे मस्त होता है, मस्त होता है ये। और अच्छा नहीं होगा तो शिवराज बना देगा, तुम भी लाए ना साथ में। अच्छा तो यार मतलब यहाँ पे अभी बातें करेंगे लोगों से, अभी तुमने देख लिया था, मतलब नेपाली भाषा में बात करने की कोशिश करेंगे बशीर भाई आज, ठीक है बशीर भाई? ठीक छो टिन छो ठीक का मतलब होता है ठीक हो, ओपनली मिलती है 100% यहाँ पे ओपनली मिलती दारू, मेरे को क्या पता भाई। आप कौन हो? आप बदल जा रहे हो यार, तुम बदल जा रहे हो। अरे ये बोल लिए, डर नहीं है, जरूरत है। देखो कौन भाई, आप कौन हो? आप कौन हो भाई? छोटू हेलो हेलो, इधर भी बोल दो हेलो, हेलो बोल दो। अरे गया, अरे कहाँ गया ये, यहाँ पे बोल दो यार। हेलो, नहीं नेपाली में कुछ हाय, ये तो सब इंग्लिश का है, ये नेपाली में कुछ बोल दो। नेपाली में बोल दो। नेपाल बहुत अच्छा देश है, बोलो एक बार नेपाली में बोलो। नेपाल धरे राम्रो देश छ। नेपाल धरे राम्रो देश छ, ओके छ राम्रो छ राम्रो। राम्रो का मतलब क्या होता है? राम्रो का मतलब क्या होता है? अच्छा अच्छा, अरे मजा आ गया भाई, बहुत बहुत बढ़िया। बशीर भाई राम्रो छ। तो भाई लोग हमने डिसाइड किया कि आगे कपड़े थोड़े से देख लेते, समझ रहे बात को। चलो चलो तुम चलो सबसे पहले, चलो ये रुमाल फेमस है, नेपाल के रुमाल फेमस है यहाँ के भाई। अंदर आओ राम्रो छो, राम्रो छो, यहाँ के कपड़े बहुत राम्रो छो। तो भाई लोगों यार कपड़े तो है जरूरत है नहीं, पर एक्चुअली में देख लेते हैं थोड़े से, नेपाल आए हैं ना भयंकर, लेकिन है तो भाई मस्त कपड़े, पता है ये भयंकर राइडिंग वाला लग रहा है सेम टू सेम। तो चलते हैं भाई, देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। बस ये भाई, तो तुमने हमारे वहाँ इंडिया में बोला नहीं बल्क भैया, कपड़े कहाँ से आते हैं? जापान चाइना। जापान चाइना, कोरिया से भी आते हैं? झूठ तो ना बोलेंगे यार, कैसी बात कर रहे हो यार। मैन्युफैक्चर इधर होता होगा भाई, मैन्युफैक्चर का मतलब बनना, ठीक है भाई। साइंस दिन है, इसको सब पता है यार, साइंस ने तो बताया था यार, मैं भाई ऐसे बताओ यार काठमांडू में। अच्छा तो भाई लोग यहाँ पर हमने सब चीज खाना लंच कर दिया हमने, और पेट भरा नहीं भरा तुम्हारा? बहुत ज्यादा भर गया, बहुत ज्यादा भर गया। ख्याल क्या है तुम्हारा?
तुम्हारा? अरे कतई। और तुम्हारा बसी भाई? मजा आ गया यार भाई, बहुत मजा आ गया। अरे बहुत मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया। बालों हाथ लगा दे रहे यार, जिम वाले बंदे ऐसे भर जाएगा पेट हमारा। तो यार भाई लोगों, हमने यहाँ पे लंच कर लिया और भाई बहुत ही पेट भर गया, मजा आ गया कसम से। लॉलीपॉप वगैरह खाया था और राइस वगैरह खाया था, मतलब लिटरली मैं अब लगा कि नेपाल आ रखे करके। बशीर भाई, बशीर भाई, बशीर भाई, बशीर भाई, वो चेहरा दिखा दो। हेलो, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, बहुत बढ़िया, गुड। चेहरा दिखाओ अच्छे से। तुम टोपी क्यों लगा रहे हो मेरे को ये बताओ सबसे पहले? अच्छे स्टाइल स्मार्ट लग रहे हैं ना, स्टाइल में। टोपी डाल लो ना पहले, टोपी डाल लो, टोपी डालना उसके। अरे मत कर यार, तुम बहुत मजे लेते हो बशीर भाई इनसे, ठीक है यार? कान ढकते हैं माँ कसम यार। वो देखो कितनी केयर करता तुम्हारी यार। हाँ करो ऐसे, सच्ची बता रहा हूँ, कान ढकते हैं तेरे। कितने कान ढके देखना तो जरा मेरे, इसके ढक जाएंगे ना ये ढक तो गई है, ढक तो गई है कान, बस और क्या चाहिए। तो हेलमेट में ही घूमता इंद्रा। अच्छा ओह, चलो करो, मैंने तुम्हें रुपए दे दिए ना, कर दो पेमेंट, ठीक है? और अच्छे से करना, रसीद ले लेना। चचा भी हंसने। तो भाई लोग यार, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना।